बालों को कलर करना है, आप बाहर नहीं जाना चाहते, महंगे महंगे केमिकल वाली चीज़ें जो हैं वो आप यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और आपके बालों में बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होता है। तो अगर आप ठंडी के वजह से बाहर घर से नहीं निकल रहे हो तो आप घर पे भी रह के अपने बालों में कलर कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर आपके बालों में आ सकता है। सो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल वी नेचुरल खुशी। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आप घर बैठे आप अपने बालों को बारगंडी कलर कैसे कर सकते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं, समय से पहले सफ़ेद होने स्टार्ट हो गए हैं तो आपके बाल ब्लैक भी होंगे, और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आपके बालों का हेयर ग्रोथ भी होगा और आपके बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। सो गाइस करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिया है जो अनार। अनार तो सब लोग यूज़ करते ही करते हैं, यूज़ करके उसका छिलका जो होता है वो आप लोग फेंक देते हो, तो आप लोग उसका छिलका फेंकिए मत, एक बार यूज़ करके देखिए फिर उसके बाद आप फेंकेंगे ही नहीं अपने आप से। तो अनार का छिलका आपको ले लेना है, फिर उसके बाद से आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि आपके बालों का हेयर ग्रोथ बहुत ही अच्छे से वो करता है। करी पत्ता हमने लिया है। करी पत्ता जो होता है ये आपके बालों को काफ़ी हद तक शाइनिंग एंड स्मूदनिंग करता है, आपका हेयर ग्रोथ करता है। अगर आपके बालों में किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह होता है तो वो उसको दूर भी करता है, आपके बालों में स्मूदनिंग लाता है, आपके बालों में घनापन लाता है और आपके बालों को काफ़ी हद तक वाइट हेयर की जो प्रॉब्लम रहती है वो दूर भी करता है। तो यहाँ पर हमने लिया है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती से आपके बालों में काफ़ी अच्छा सा शाइनिंग आता है एंड स्मूदनिंग आता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी आप चाय की पत्ती का केवल पानी यूज़ करते हो तो आपके बालों में कितना ज़्यादा शाइनिंग एंड स्मूदनिंग आ जाता है और आपके बालों में ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अगर आप चाय की पत्ती इन सब चीज़ों के साथ में यूज़ करोगे तो आप सोच सकते हो कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और ये आपके हेयर केयर के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे हमने इन सब चीज़ों को ले लिया है और इसमें हमने पानी को ऐड कर लिया है। आप पानी का क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर उसके बाद से आपको गैस के ऊपर इसको रख देना है। गैस का फ्लेम जो है तब तक हाई रखेगा जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। जब भी एक उबाल आ जाएगा फिर उसके बाद से आप गैस का जो फ्लेम है वो स्लो कर दीजिएगा, क्योंकि जो हमारी मेन इन्ग्रीडियंट है यहाँ पर वो है हमारा अनार का छिलका। अनार का छिलका जो होता है ये आपको पता ही है कि आपके बालों के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो वो थोड़ा फूलने में टाइम लेता है। तो इसके लिए आपको गैस का फ्लेम फर्स्ट टाइम में फास्ट करना है, उसके बाद से स्लो करना है। इसके जो भी इंग्रेडिएंट है वो धीरे धीरे पक जाएंगे, इस पानी में इसके सारे जो गुडनेस है वो अच्छे से मिल जाएंगे। आप इसको बच्चे हों बूढ़े हों या फिर लेडीज़ है या जेंट्स है कोई भी हो आप इसका यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल लेडीज़ के लिए है, हेयर का जो प्रॉब्लम होता है वो जेंट्स लोगों में भी होता है, उनके भी बाल झड़ते हैं, गंजेपन की प्रॉब्लम होती है, बाल उगते नहीं हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो। केमिकल वाली चीज़ें जो होती हैं अगर हम लगाते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत तरह की केमिकल वाली चीज़ें हैं, किसी को सूट करते हैं किसी को सूट नहीं करता है, तो जिनको सूट करता है वो लोग अप्लाई करते हैं, जिनको सूट नहीं करता है उन लोग का तो बाल झड़ता ही रहता है। तो उस कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हो, आपके बालों का हेयर ग्रोथ रुक जाएगा, हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके बालों में जो प्रॉब्लम रहेगी वो दूर हो जाएगी। हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम होती है ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर हमारे बालों में बाल ही नहीं रहेंगे हमारे सिर में तो कैसा दिखेगा आप तो खुद सोच सकते हो। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमने पानी को छान लिया है, पानी जो है वो गर्म होना चाहिए। उसको आप चाहो तो डायरेक्टली अपने बालों में ऐसे अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड जो है अगर आप चाहो तो इसके साथ में ग्लिसरीन ले सकते हो। जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी रहते हैं रफ़ रहते हैं उनके लिए हम आपको बता दें कि आपको लेना है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से आपके बाल बहुत ज़्यादा स्मूद होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और आपके बालों में घनापन आता है और आपके बालों में काफ़ी अच्छा शाइनिंग एंड स्मूदनिंग भी आता है।
आपको ग्लिसरीन लेना है 1 चम्मच। कोकोनट ऑयल जो है वो पहले से चलते आ रहा है, काफ़ी लोग इसका यूज कर चुके हैं और करते भी होंगे, तो उन लोग को पता होगा कि कोकोनट ऑयल जो होता है ये आपके बालों में, आपके बालों की जो वाइट हेयर की प्रॉब्लम होती है ये इसको दूर करता है, आपके बालों को जड़ से ये काला करता है, और आपके बालों में जो झड़ने की प्रॉब्लम होती है ये उसको भी दूर करता है, और ये आपके बालों का हेयर ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा फास्ट करता है। तो आप इन सब चीज़ों को एक में मिक्स कर लीजिए, ग्लिसरीन को और कोकोनट ऑयल को। जो आपके पास कोकोनट ऑयल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद से आप इसको मिक्स कर लीजिए, क्वांटिटी 1-1 चम्मच ही होनी चाहिए, और इसको मिक्स करके एक से दो हफ्ते तक आप स्टोर करके फ्रिज में रख लीजिए। अभी ठंडी का टाइम चल रहा है तो जो हमारा ऑयल है वो है जो थिक हो जाएगा, क्योंकि वो जम जाएगा। तो इसके लिए जब आप लगाने जा रहे हो तो थोड़ा सा पहले इसको गर्म कर लीजिए, हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, ताकि आपका जो ऑयल है वो अच्छे से पिघल जाए, फिर उसके बाद से आप अपने बालों में इसको अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने इसको स्प्रे वाले बॉटल में भर लिया है। हम इसको अपने बालों की लेंथ में पूरे स्केल से लेके पूरे लेंथ तक इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। अप्लाई आपको नाइट में करना है, सुबह में अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है। जैसा कि आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपके बालों से हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, आपके हेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बाल कम दिख रहे हैं, अगर आपके बालों का हेयर ग्रोथ तेज़ी से नहीं है, दो मुहे बालों की प्रॉब्लम है, तो उस पानी को अगर आप यूज़ रेगुलर करते रहोगे 1 मंथ तक करके आप देखो कि आपको इसका कितना अच्छा सा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। सो हमारी अगली जो रेमेडी है वो है हमारा हीना मेहंदी। तो हीना मेहंदी आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, इसमें आंवला और सिका काई पहले से मिला हुआ है। ये आपके बालों को झड़ने से रोकता है, सफ़ेद होने से रोकता है, आपके बालों में जो रूसी वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी रोक देता है, चमक लाता है, और आपके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है, बहुत ज़्यादा मुलायम बनाता है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया आपको सारी चीज़ें, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, पीछे सब कुछ इस पर मेंशन किया गया है, जो आपको नहीं है वो आप इसमें देख के जान सकते हो। सो अब हम चलते हैं हमारा मेहंदी बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको लेना है यहाँ पे मेहंदी, तो आप चाहो तो हीना ले लो, नीपुर ले लो, नीसा ले लो, किसी भी ब्रांड का आप कोई भी मेहंदी ले सकते हो, तो जो आपको अच्छा लगता हो। फिर उसके बाद से आपको ले लेना है यहाँ पे भृंगराज का पाउडर। भृंगराज का पाउडर जो है मैंने ये मीशो से मंगाया है, आप चाहो तो मीशो से परचेस कर सकते हो, काफ़ी कम रेट में और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिलता है मीशो से, अगर आप चाहो तो वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ले लेना है 2 चम्मच के अराउंड भृंगराज। भृंगराज जो होता है ये आपके गंजेपन जो होती है ना, ये आपके बालों में नए बाल उगाते हैं, और आपके बालों का काफ़ी हद तक देखभाल भी अच्छे से हो जाता है। तो ये हमने बहुत ही मतलब यूज़ किया है, दूसरा बार ही हमने ये मंगाया है, तो आप भी एक बार मंगा के ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको जो पानी हमने बना के बताया था उस पानी को आपको इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करना है। अब हम बात कर लेते हैं जिनको बहुत ज़्यादा बारगंडी कलर चाहिए या फिर रेड कलर चाहिए, उनके लिए यहाँ पे आपको लेना है 1 पैकेट कॉफ़ी। कॉफ़ी ले लीजिएगा। फिर उसके बाद से आपको लेना है यहाँ पर चुकंदर का जूस। चुकंदर आपका जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना होना चाहिए, जैसा कि 1 हफ्ते के पहले आप ख़रीद के रख लीजिए, फिर उसके बाद से उसको यूज़ कीजिए, देखिएगा कि उसका कलर जो है वो कितना ज़्यादा अलग आएगा, डिफरेंट आएगा, और जो आपने तुरंत ख़रीदा है और तुरंत आप फ्रेश लगा रहे हो उसका कलर डिफरेंट आएगा। तो आपको पुराना से पुराना ही चुकंदर आपको यूज़ करना है, ताकि आपको डार्क कलर मिले और काफ़ी हद तक अच्छा कलर मिले। इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, फिर उसके बाद से पानी डाल डाल के आप मिक्स कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जिनकी वाइट हेयर की प्रॉब्लम है, उनको आपको क्या करना है। आप आयरन का बर्तन ले लीजिए, इसमें आप जितना भी हमने बताया आप उसमें डाल दीजिए। आपको कॉफ़ी और चुकंदर का जूस नहीं ऐड करना है, आपको कलर नहीं चाहिए, आपको अपने बालों में वाइट हेयर की प्रॉब्लम है तो आपको ब्लैक करना है। तो आप आयरन के बर्तन में, जैसा कि हम मेहंदी को बना रहे हैं, आपको ऐसे बनाना है, भृंगराज लेना है और मेहंदी को लेना है।
फिर उसके बाद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद से आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिएगा। ओवरनाइट के बाद आप देखिएगा कि आपके मेहंदी का कलर जो है कितना ज़्यादा डार्क हो गया है और काफ़ी हद तक आपकी मेहंदी जो है ठीक हो चुकी है। तो इसके कश टेस्टिंग आपको इतनी ही रखनी है कि आपके बालों में अच्छे से एक लेयर लग सके, ऐसा ना हो कि ये आपके बालों से निकलने लगे। तो जब ये आपकी कश टेस्टिंग हो जाएगी फिर उसके बाद से आपको अप्लाई करना है। तो आपको अप्लाई करने का जो तरीका है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आप अपने जितने भी एरिया हैं फेस के, नेक पे, तो वहाँ पे आपको वैसलीन लगा लेना है, क्योंकि कभी कभी होते हैं ना, जब हम कलर लगाते हैं हमारे बालों में तो हमारे फेस पे लग जाते हैं। तो ये कलर ऐसा होता है कि हमारे बालों से जल्दी निकलता नहीं है, तो हमारे फेस से कैसे निकलेगा, दाग लग जाएगा। तो इसके लिए आपको वैसलीन लगा लेना है ताकि कलर आपके बालों फेस पे ना आए। और अपने बालों को अच्छे से कॉम करना है, अपने बालों में किसी तरह का ऑयलिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद से आप अपने बालों में पार्टीशन कर करके अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। 2 घंटे से 3 घंटे तक आप रख सकते हो, 4 घंटे भी रख सकते हो। फिर उसके बाद आपको सादे पानी से धो लेना है। सादे पानी से अगर आप धो लोगे फिर उसके बाद से नाइट में आपको अच्छे से हैवी ऑयलिंग करना है, जिससे कि आपके बालों का जो कलर है वो ऐसा ही आएगा और अच्छे से लॉक होगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम शैम्पू करते हैं तो हमारे बालों से कलर बार बार निकलता है। अगर आप नाइट में हैवी ऑयलिंग नहीं करेंगे तो आपके बालों से भी कलर निकलेगा। सुबह आपके बालों को शैम्पू से वॉश करना। आई होप कि वीडियो अच्छा